लेके जाओ। जय श्री राम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे लोग स्वस्थ होंगे लोग और मस्त होंगे लोग। हम भी है अच्छे हैं और बस वैसे भी उथल पुथल चल रहा है लाइफ में। जा रहे हैं खाना बनाने, तो खाने में क्या क्या बना रहे हैं? मटर पनीर और चावल, दो किस्म का चावल बनाएंगे। एक वाला चावल मम्मी दी थी बासमती राइस सबके लिए, और इनको बासमती राइस पसंद नहीं है तो इनके लिए बनाएंगे हाफ बॉयल। तो उसको भिंगो के अभी नहीं रखे हैं, इसको भिंगो के रखे हैं कि थोड़ा सा फूल जाए, उसके बाद एकदम सॉफ्ट और जल्दी बन जाएगा, या बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ पे अपना मटर भी धो धा के फुला कर कम्प्लीट कर लिए हैं, और मंगाए हैं कम से कम 500 ग्राम पनीर मंगाए हैं, जा रहे हैं बनाने। पॉकेट वाला पनीर है, इनको यही अच्छा लगता है। एक मिनट, और ये मंगाए पनीर, जा रहे हैं बनाने। इसको कटिंग कर दें, पहले दिखा रहे हैं आप सबसे। बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये वाला पनीर। अब हो गया पनीर का कटिंग रेडी। अब जा रहे हैं इसको फ्राई करने, दिखा रहे हैं आप सबसे। ठीक है, इसमें पनीर फ्राई करेंगे, इसमें मसाला भुनेंगे पनीर का। थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लें, ये मसाला हो गया रेडी। अब जा रहे हैं इसमें प्याज भूनने। पनीर फ्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी इसको गुनगुना करके रखे थे इसी में डालेंगे। प्याज प्याज आ गया है, इसमें डालेंगे मसाला जो पीस के रखे हुए थे। इसमें लाल मिर्च है, जीरा मिर्च, धनिया है, लहसुन है और हल्दी पाउडर, बस और कुछ नहीं है। इसका ग्रेवी बहुत ही मस्त हुआ है, देख सकते हैं आप सब, देखने में कितना यमी यमी लग रहा है। अब उसमें मटर डाल दें, अब इसको 5 मिनट तक किसी पे भूनेंगे, उसके बाद इसमें पनीर और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गाढ़ ग्रेवी हो जाए, चावल के साथ अच्छा लगता है। यहाँ पे जीरा फ्राई राइस बना रहे हैं, बासमती राइस, तो उसी को सोचे हैं कि सादा सादी कौन बनाएगा, तो जीरा फ्राई इसको कर दिए हैं। तो बस पक जाए उसके बाद दिखाते हैं आप सबसे। दाना तल्स के तो घिर गया,